देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की थी और पुलिस ने उनके साथ दो और लोगों को हिरासत में लिया है। और शाहीन बाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक बार नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई है और बोलने से मना किया है। इसी बात पर आसिफ खान बिखर बिफर हो गए और उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया और आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि उनके समर्थन में हाथापाई और धक्का मुक्की भी की। बता दें कि पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है और जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आसिफ की बेटी और कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा को हाथ और कमर में चोटें आई हैं। तो आपको बता दें, नई दिल्ली से खबर है जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसी खबर पर हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ सैयद मुबस्सिर ने अरीबा खान से खास बातचीत की है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देर रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के घर दिल्ली पुलिस घुसती है। महज 186/353 की एफआईआर के बाद आनन फानन में गिरफ्तारी होती है और कहां लेके गए हैं अभी तक कुछ पता नहीं। मेरे पास इस वक्त मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान की बेटी और यहां से कांग्रेस की कैंडिडेट अरीबा खान है। अरीबा, क्या हुआ कल रात, आप पूरा थोड़ा सा विस्तार में अगर बता पाए हमें। देखिये, तैयब मस्जिद में कल दोपहर जुमे के बाद ये आम आदमी पार्टी वालों ने वहां पे 50,000 रुपए पकड़ाए इमाम साहब को और कहा कि 50,000 और भिजवा रहे हैं। और वहां माइक पे अनाउंसमेंट किया गया मस्जिद के अंदर के डोनेशन करी गई है और आप सब लोग झाड़ू को वोट दें। ये सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ। जैसे ही ये वहां पे हुआ तो वहां के जो लोग थे मस्जिद में, जो रेजिडेंट्स थे वहां के लोकल रेजिडेंट्स, उन लोगों ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने फौरन हमारे पास कॉल्स आने शुरू हुए। मैं मीटिंग में थी तब, कहीं कैंपेन के लिए निकले हुए थे तो मैं फोन नहीं उठा पाई। पापा के पास फोन आए, पापा से कहा गया कि आप फौरन यहाँ पर आए, फौरन आके यहाँ पे आवाज उठाए और ये देखिए यहाँ पे वोट जो है वो खरीदा जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद वोट खरीदने की हरकतें करी गई हैं यहाँ पर, आप आके इस पे फौरन आवाज उठाएं। पापा वहां पहुंचे तो वहां भीड़ इकट्ठा थी लोगों की और वो खूब उधम मचा रहे थे और कह रहे थे कि वाजिद को फौरन यहाँ बुलाओ, ये जो हरकतें हो रही हैं। अब हुआ क्या कि पापा जब वहां खड़े हुए, पापा सब लोगों ने कहा पापा से, वालिद साहब से हमारे, कि आप आवाज उठाइए, आप इसके खिलाफ बोलिए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया वहां पे एसआई और जो ये पुलिस के और लोग थे ये वहां पहुंचे और उन्होंने आके रेजिडेंट्स ने उनको इन्फॉर्म करा कि किस तरह से यहाँ पे धर्म की राजनीति ही कहूंगी मैं कि एक मस्जिद के बाहर मस्जिद में आप रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत, हाँ, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त पे फिर पापा तो पुलिस वाले जो थे वो आके जो मुद्दा था उस पर एक्शन लेने की बजाय पापा से कह रहे हैं, हमारे वालिद साहब से, कि आपको परमिशन नहीं है इस तरह से, आप परमिशन लीजिए यहाँ पे पहले मीटिंग करने की। जबकि हमने कोई मीटिंग वहां अरेंज नहीं करी थी, वहां के लोग इकट्ठा हुए थे खुद अपने लेवल पे और उन्होंने हमें सिर्फ बुलाया था बोलने के लिए, एक आवाज बनने के लिए। उस चीज को पुलिस ने बदतमीजी करी वहां पे, फिर हमारे लोगों के साथ, पापा के साथ बदतमीजी करी गई। उनसे कहा गया कि आपको परमिशन नहीं है, जो मेन मुद्दा था उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई आवाज नहीं उठाई। एक वीडियो वायरल हो रहा है अरीबा, जिसमें कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आसिफ मोहम्मद खान आपके वालिद ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, जिसके अवज में ये एफआईआर उनके खिलाफ की गई है पुलिस की कंप्लेंट के ऊपर। जी देखिए, जब वहां पे ये मुद्दा उठा तो सबसे पहले पापा वहां पहुंचे, पापा ने वहां पे आवाज उठाई, उसके बाद जो 188 वार्ड के जो और कैंडिडेट्स हैं वो सारे वहां पहुंचे, सबने वहां पे बोला। लेकिन देखिए, पुलिस ने टारगेट किया है हमारे वालिद साहब को, क्योंकि थाने में एफआईआर सिर्फ हम लोगों ने जाके एप्लीकेशन दी है, दो एप्लीकेशन पहुंची है थाने में, जो एक हमारी तरफ से पहुंची है, ये बाकी जो कैंडिडेट्स थे कोई नहीं पहुंचा थाने एप्लीकेशन देने के लिए। हमने एप्लीकेशन दी जाके और वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दी है, आप ये देखिए कि उस पर एफआईआर हुई नहीं, यही बता रही हूँ, अभी तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, उस पर एफआईआर नहीं हुई है। और वालिद साहब के खिलाफ इन्होंने एफआईआर 2 घंटे में कर दी और 12 घंटे के अंदर अरेस्ट करने भी पहुंच गई है उन्हें। और जिस जो वहां पे इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि इस तरह से क्या पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहिए पुलिस को, कि खुल्लम खुल्ला खड़े होकर वोट खरीदने की कोशिश करी जा रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जो सटले के हैं ये जो वहां खड़े हुए थे, सईद नाम है शायद उनका, उन्होंने वहां पे जो अनाउंसमेंट करा
रहा है कि हम वोट, आप हमें वोट दीजिए, हम डोनेशन कर रहे हैं, उन्हें से पूछताछ करके छोड़ दिया गया, उन पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, बाजिद साहब पे कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, FIR तक नहीं कटी है इन लोगों पे, और जो CCTV फुटेज थी वो भी ये गायब करने के चक्कर में थी पुलिस, वो तो रेजिडेंट्स वहां के अड़ गए कि ये CCTV की फुटेज आप पूरी तरह से इसको कंसिडरेशन में लीजिए, इसको FIR कराइए, इसके ये एविडेंस है, और अभी तक वो FIR नहीं कटी है। फिर रात के 2:30 बजे के करीब हम लोग घर में 4 लोग थे, जिसमें से हम 3 औरतें थी और एक पापा थे, मैं, मेरी वालिदा और मेरी नानी थे और हमारे वालिद साहब। 2:30-3 बजे के करीब हमारे घर में 70 से 80 पुलिस वाले घुसे हैं रात के 2:30 बजे, और ये आप जरा फोकस करेंगे, ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार लांग कर आए हैं घर के अंदर, ये पुलिस वाले गुंडे दीवारें लांग कर अंदर आए हैं घर में। इससे पहले कोई इंटीमेशन, कोई नोटिस या कुछ तरीके से वर्बली बात नहीं हुई कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, थाने आई है? FIR की जो कॉपी है वो शायद जर्नलिस्ट के पास पहुंची थी, लेकिन बात यह है कि रात के 2:30 बजे अरेस्ट करने का क्या मतलब था, जब आपने FIR शाम के 7-8 बजे तक तैयार कर दी थी तो आ जाते तभी अरेस्ट कर ले, शाम के वक्त आते ना अरेस्ट कर ले, इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे खाली हो, लोग उठ के जाए तो हम घुसे यहाँ पे आके। 2:30 बजे के करीब ये लोग यहाँ पे घुसे, 70-80 लोग, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो आदत है इन लोगों की टेरराइज करने की, आम लोगों को भी टेरराइज करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने करा ही क्या है, कूड़े के ढेर तो उठा नहीं पाए। मैं कहती हूँ 1 लाख रुपए जो तुम चंदा दे के तुम वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे उसके आधे पैसे कूड़े के ढेर को उठाने में लगा देते तो शायद ये करना नहीं पड़ता इनको आज यहाँ पे। वो करा क्या है उन्होंने, पुलिस को पैसे खिलाए, सब मिले हुए हैं आपस में, पुलिस रात को आके यहाँ घुसती है, तोड़फोड़ मचाई, दरवाजे दरवाजे तोड़े, टेरराइज करने की कोशिश करी। हमने कहा पुलिस से कि आप लेडी कांस्टेबल लाइए, हम दरवाजा खोल देंगे। तो विदाउट लेडीज पुलिस आपके यहाँ घर में एंट्री की? मैं बता रही हूँ, लेडी कांस्टेबल उस वक्त थी नहीं, ठीक है, 20-25 पुलिस वालों ने हमारे बेडरूम का दरवाजा तोड़ा, बेडरूम में शीशे की विंडो है, मैंने उसका पर्दा हटा दिया था, अच्छा मेरी उनसे वहां से वो देख पा रहे थे अंदर की, सिर्फ 2 औरतें अंदर बैठी हैं, मेरी मदर बेड रिडन है पिछले 15-20 सालों से, वो बैठ के थी, मैं खड़ी हुई वीडियो बना रही थी इनकी कि देखिए ये पुलिस, मेल पुलिस वाले जो है वो अंदर घुसे आ रहे हैं और लेडी कांस्टेबल यहाँ पर है नहीं, इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और 20-25 आदमी मेल पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस गए हमारे कमरे में। आके उन्होंने सबसे पहले मेरा फोन छीना और मेरा हाथ, क्योंकि फोन छीनने में जो झपटा झपटी हुई तो ये मेरी उंगली उन्होंने मोड़ दी, हाथ पूरा मोड़ा था, ये उंगली पे ज्यादा डैमेज हुआ है। कल रात हम अपोलो जाके हमने MLC भी कराई है इसकी, मेरे बैक में भी चोट लगी है, चोटें आई है, देखिए मैन हैंडलिंग करी है, और उसके बाद जब वालिद साहब को लेके गए हैं जिस वक्त कमरे से ले जा रहे थे उस वक्त फिर लेडी कांस्टेबल्स अंदर आई है, जब पूरा प्रोसेस इन्होंने कर दिया अंदर उसके बाद लेडी कांस्टेबल घुसी है अंदर। और देखिए बात सारी यही आ जाती है पुलिस के अंदर, आप ये देखिए कि एक आदमी को अरेस्ट करने 70-80 पुलिस वाले आए हैं, किस कदर खौफ और डर है पुलिस के अंदर कि हम सत्ता में आने वाले हैं, हम पावर में आने वाले हैं, हम पोजीशन पे आने वाले हैं, हम आते ही सबसे पहले इनकी ज्यादतियों पे एक्शन लेंगे, और हमने कल भी लिया, अभी तो हम आए भी नहीं है, हमने कल ही इनके ज्यादतियों पे एक्शन लिया है। जो यहाँ पे पूर्वांचली लोग हैं उनको तो ये पुलिस वाले गालियां बकबक के बात करते हैं और फिर ये FIR करते हैं कि रेजिडेंट्स इनको कुछ ना कहे। आप ये देखिए कि किस तरह से पुलिस ने यहाँ पे आम आवाम पे गुंडागर्दी मचा रखी है, सभी वाकिफ है, हफ्ता लिया जाता है किस तरह से जुल्म किया जाता है, ज्यादतियां किया जाती हैं, और ये एक डर बैठ गया है पुलिस के अंदर, उस डर का ये वो था कल रात कि एक आदमी को उठाने 70-80 पुलिस वाले आए हैं, ये डर था उनका। अब आगे का क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अभी कोर्ट में पेश किया कहां है? मैं एक बात और कहूंगी कि यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं आप ये देखिए उनके अंदर किस कदर बौखलाहट और डर बैठ गया है कि उन्हें अपनी जमानत जब्त होती हुई दिखाई दे रही है इस इलेक्शन में, कि वो अब खुलेआम लोगों का वोट खरीदना चाह रहे हैं। अरे तुमने यहाँ के लोगों को आपने क्या समझ रखा है, वो बिकाऊ लोग हैं क्या, यहाँ कि आप हम बिका हुए क्या कि आप कुछ चंद रुपए उनके मुंह पे फेंकेंगे और वो बिक जाएंगे और आपको वोट दे देंगे? यहाँ की आवाम बेवकूफ नहीं है, केजरीवाल जी ने बहुत गुमराह कर दिया यहाँ की आवाम को, अब यहाँ के नुमाइंदे पैसे फेंक फेंक के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की आवाम पूरी पूरी तरह इसकी जवाबी कार्रवाई करेगी और देखिए इंशाल्लाह इनकी जमानत जब्त होगी इस इलेक्शन में। अभी आसिफ मोहम्मद खान कहाँ है, पुलिस से आपकी कोई बात हुई, प्रशासन से कोई बात हुई, क्या अभी तक अपडेट आया है, कहाँ रखा गया है? जी देखिए अभी 2 बजे कोर्ट में पुलिस उनको पेश करेगी, हमारी पूरी टीम वहां मौजूद है लॉयर्स की, हम पूरी तरह उस पर चल रही है। देखिए
पहली बार जेल नहीं गए हैं, पहली बार अरेस्ट नहीं हुए हैं, जितनी बार हुए हैं यहीं की आवाम के लिए आवाज उठाइए, यहीं के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, तभी अरेस्ट हुए हैं। हम डरने वालों में से नहीं है। मैं शाहीनबाग की बेटी हूँ, मैं यहाँ की औरतों की बहन और बेटी हूँ। हम शाहीनबाग की औरतें इस कदर ताकत रखती हैं अपनी आवाज उठाने की। हम लोगों ने CNRC के प्रोटेस्ट में हम जब पीछे नहीं हटे तो ये पुलिस क्या चीज है, इनकी गुंडागर्दी क्या चीज है। हम औरतें देखिए किस तरह इस पे भी पूरी तरह एक्शन लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से देर रात आसिफ मोहम्मद खान को उठाया गया उस पर कई सवालिया निशान खड़े हैं। आखिरकार जब आपने अरेस्टिंग करी तो आपके साथ महिला पुलिस बल क्यों नहीं था, ये एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, 2:30 बजे रात को इतनी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से आपको अरेस्टिंग दिखानी पड़ी। तीसरी सबसे बड़ी बात की जो कंप्लेंट पब्लिक की तरफ से और आसिफ मोहम्मद खान की तरफ से दी उस पर अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। पूरी जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चमोली में हेमकुंड साहिब सरोवर बर्फ से ढक गया है और चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, साथ ही हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब का सरोवर इस शीतकालीन में ही अभी से बर्फ से पूरी तरह से जम गया है और साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक गया है। वहीं गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में जमकर हिमपात हुआ है। तो आपको बता दें कि चमोली से खबर है जहां पर बर्फ से हेमकुंड साहिब ढका हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बताते चलें कि चमोली से खबर है जहां पर बर्फ से हेमकुंड साहिब ढक गया है। पौड़ी के सतपुली में एक लकड़ी के व्यापारी द्वारा देश के तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि सतपुली पुलिस बूथ के समीप ही एक फर्नीचर हाउस में रखे इस तिरंगे से सफाई की जा रही है। जी हाँ, ये जो तिरंगा यहाँ देखा जा रहा है उससे फर्नीचर हाउस वाले जनाब सफाई का काम कर रहे हैं और इसकी सूचना उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार को दी गई, जिसके बाद तत्काल थाने में एक सिपाही उक्त दुकान पर गया, जहाँ पर आते ही दुकानदार ने नीचे पड़े झंडे को दुकान के अंदर फेंक दिया और जिसके बाद पुलिस ने झंडे को दुकान से निकाला और उस पर लिपटे कचरे को साफ करके अपने कब्जे में लिया है। थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर पुलिस ने गंभीर धाराओं में फरार चल रहे वांछित बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। SSP हरिद्वार अजय सिंह द्वारा वांछित इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। कोतवाली मंगलौर पर दो अभियोगों में काफी समय से फरार चल रहे वांछित 25,000 रुपए के इनामी अंकित, जो की हत्या की धारा वांछित है, और बलात्कार और पॉक्सो में ही वांछित 10,000 रुपए का इनामी अभियुक्त बबलू की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और इनामी धनराशि के बारे में अवगत कराया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ मंगलौर से अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, जिस तरह से मामला सामने आया है कि दो बदमाश फरार बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। जी, जब से हरिद्वार जिले की कमान SSP अजय सिंह ने संभाली है तभी से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और कोई भी शिकायत का तुरंत समाधान निकल जा रहा है। मंगलौर कोतवाली से इनामी जो बदमाश थे वांछित, वो फरार चल रहे थे, गंभीर धाराओं में मुकदमे उन पर दर्ज थे लेकिन फरार चल रहे थे। मंगलौर ने पुलिस ने उनकी धरपकड़ तेज कर दी है। मंगलौर पुलिस मंगलौर क्षेत्र के गाँव गाँव जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है और बता रही है यदि कोई उनकी सूचना है तो वे पुलिस को दे और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और इनाम उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो मंगलौर जो पुलिस है वो जो फरार चल रहे इनामी बदमाश उनकी धरपकड़ में लग गई है। जी जी अकील, जिस तरह से बताया ये भी जा रहा है कि बदमाश जो थे वो किस धाराओं में ये मुकदमा जो था इनके ऊपर था और इसलिए किस लिए बदमाश ये फरार चल रहे हैं, वो भी पूरा विस्तार से बताइए मामला। जी, ये जो दो बदमाश थे, एक बदमाश के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और 10,000 रुपए का इनामी है। जो दूसरा बदमाश है, एक का नाम अंकित है, एक का नाम बबलू है, उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज है और उस पर करीब 25,000 का इनामी बदमाश है और ये लगातार फरार चल रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस भरकस प्रयास कर रही है। अखिल, ये बदमाश कब से फरार चल रहे हैं इसके बारे में कुछ जानकारी सामने आ पाई है और इन पर जो मुकदमे हैं वो किस तरह के मुकदमे लगाए गए हैं?
ये जो दो बदमाश हैं अंकित, ये अलग एक अलग मुकदमा है। दूसरा बदमाश बबलू है जो वांछित आरोपी है, इनाम पुलिस ने इन पे इनाम भी रखा है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऊपर 10,000 रुपए इनाम है, दूसरा 25,000 रुपए का इनाम। काफी दिन से फरार चल रहे हैं लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आए, तो पुलिस ने अब इनको पकड़ने की तेज कर दी है और इनको जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है क्योंकि पुलिस गांव गांव जाकर मंगलोर के पूछताछ कर रही है और पोस्टर चस्पा रही है और ग्रामीणों से मिलकर उनको आश्वासन दे रही है कि कहीं भी सूचना हो तो पुलिस को दे ताकि उनको पुलिस पकड़ सके और जेल भेज सके। जी जी अखिल, पुलिस प्रशासन का भी इसको लेकर कुछ बयान सामने आ पाया है? जी, पुलिस प्रशासन, जैसे हम मंगलोर कोतवाली की बात करें, मंगलोर कोतवाल राजीव रोथान का यही कहना है कि जल्दी ही इनको जो बदमाश फरार चल रहे हैं, इनामी बदमाश, इनको पकड़ लिया जाएगा क्योंकि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, गांव गांव जाकर इनकी सख्त जुटा रही है कि कहाँ है। तो उनका ये कहना है जल्दी जो बदमाश है, इनामी बदमाश, पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी जी अखिल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मेडिकल स्टोर की आड़ में कुछ लोग नशे का काला व्यापार कर रहे हैं और जिस पर पुलिस ने अब भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलोर पुलिस ने क्षेत्र के दर्जनों मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर स्वामियों में हड़कंप मच गया है और कई मेडिकल स्टोर बंद करके भाग भी गए हैं। कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाणा ने बताया है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर पर कई ऐसी प्रतिबंध दवाएं भी बेची जा रही हैं जिन्हें बेचना अवैध है और साथ ही ये भी पता लग रहा था कि कई नशीले इंजेक्शन बिना डॉक्टरों की प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही बेची जा रही थी और सभी दुकानों को आगाह भी किया गया कि यदि किसी के यहाँ भी इस तरह के इंजेक्शन बेचे जा गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको मंगलोर से खबर बता रहे हैं जहां पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की गई है, सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि दवा जो व्यापारी है उनमें हड़कंप मच गया है और हड़कंप इस कदर है कि कुछ दुकान के मालिकों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार अखिल अहमद बने हुए मंगलोर से। अखिल, जिस तरह से मामला सामने आया है कि दवा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि कई दुकानें बंद भी कर दी गई हैं, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड एक अभियान छेड़ रखा है जो कि क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है और खासतौर जो युवा हैं वो नशे की लत में पड़ गए हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ड्रग्स फ्री अभियान 2025 जारी किया हुआ है। इसको देखते हुए मंगलोर या हरिद्वार मंगलोर पुलिस भी लगातार प्रयास है और मेडिकल स्टोर में, क्योंकि जो ड्रग्स लेने वाले हैं वो जो प्रतिबंधित दवाएं हैं मेडिकल स्टोर में, कुछ मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, वहां से खरीदते हैं और नशे की हालत में ये कुछ अपराध भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। इसी को लेकर मंगलोर पुलिस सतर्क हो गई है और मंगलोर पुलिस ने जो मेडिकल स्टोर है उन पर छापेमारी की और मेडिकल स्टोर स्वामियों को खास हिदायत दी है, यदि प्रतिबंधित दवाई उनकी हाँ मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अखिल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि लंबे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है? देखिए, शिकायत मिलती है क्योंकि लगातार क्षेत्र में जो है नशे का कारोबार चल रहा था लेकिन पुलिस उसको लगाम लगाने में नाकाम हो रही थी, लेकिन अब पुलिस ने कमर कस ली है क्योंकि बात करें नशे के काले कारोबार की तो मेडिकल स्टोर से जो प्रतिबंधित दवाएं हैं वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन पुलिस अब इन पर जो ऐसे मेडिकल स्टोर हैं उनके पास जा रही है और जो मेडिकल स्वामी है या फिर मेडिकल संचालक है उनको इस खास हिदायत दे रही है, यदि उन्होंने प्रतिबंधित दवाएं बेची तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिना किसी डॉक्टर की सलाह से ऐसी कोई दवाई ना दें ताकि जो डॉक्टर की सलाह से ना हो। तो इसी प्रकार जो मंगलोर क्षेत्र में आसपास जो है वो एसपी देहात के निर्देशन में काफी काम हो रहा है और मंगलोर क्षेत्र की बात करें, मंगलोर की या लंढोरा की या आसपास क्षेत्र की, तो पुलिस लगातार मेडिकल स्टोर से संपर्क किया है और खास हिदायत दी है कि यदि उनके प्रतिबंधित दवाई मिलेगी तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अखिल, जिस तरह से मामला ये भी सामने आया है कि मेडिकल स्टोर पर जो ऐसी प्रतिबंधित दवाएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो ये दवाइयां मेडिकल स्टोर तक पहुंचा रहा है?
देखिए आज दिन जो है मेडिकल स्टोर पे जैसे यूपी की पुलिस या कहीं और की पुलिस आके छापेमारी करती है, क्योंकि एक बड़ा कारोबार क्षेत्र में चल रहा है, इसको रोकथाम के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। क्योंकि काफी लंबे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि कुछ युवा हैं जो नशे की लत में है, वो मेडिकल स्टोर पे आसानी जो प्रतिबंधित दवाएं लेते हैं और नशा करते हैं, उसके बाद जो है कुछ चोरी की वारदात को अंजाम भी देते हैं। तो इसी के रोकथाम के लिए हमारे जो नए हरिद्वार जिले के एसएसपी आए हैं जैसे, उन्होंने खास निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि नशे की रोकथाम की जाए, इसी को लेके जो पुलिस महकमा लगा हुआ है ताकि नशे को रोका जा सके। जी जी अखिल, पुलिस प्रशासन की अगर आरोपी धरपकड़ हो जाती है आरोपियों की, तो पुलिस प्रशासन की इसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए यदि छापेमारी की गई है और खास हिदायत दी गई, लेकिन कोई ऐसी प्रतिबंधित दवाई नहीं मिली, हमने हमारी बात राजीव जो रोथान है मंगलोर कोतवाली प्रभारी, उनका भी कहना है कि वो आए दिन जो है जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्रतिबंधित दवाई बेची जा रही है, ड्रग्स इंस्पेक्टर को बुलाकर या फिर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बुलाकर एक बड़े अभियान जारी करेंगे ताकि जो ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है उसकी रोकथाम की जा सके और जो आरोपी पकड़ा जाएगा उनको सख्त हिदायत दी जाएगी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी अखिल, अभी तक कितने इसमें दुकानदार अंदाजा अगर लगाया जाए तो कितने दुकानदार इस गिरोह में शामिल होंगे जो अब तक जो अपनी दुकानें वो बंद करके जा चुके हैं? देखिए जब पुलिस ने लंडोरा में या मंगलोर क्षेत्र में छापेमारी की तो इसकी भनक लगते हुए जो इस तरह का कालो कारोबार करते या वे दवाई बेचते थे वे अपनी दुकान बंद करके चले गए, लेकिन पुलिस ने जहां कार्रवाई की है करीब दर्जनों मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, दवाई को देखा जो प्रतिबंधित दवाई उनको नहीं मिली, तो लेकिन जो इस तरह का कारोबार करने वाले हैं या प्रतिबंधित दवाई बेचने वाले हैं वो अपना दुकान या स्टोर बंद करके जा चुके थे, लेकिन पुलिस उन पर नजर बनाए हुए है, जब भी उनके खिलाफ शिकायत इस तरह की दवाई मिलेगी तो पुलिस उन पर ठोस कार्रवाई की है। बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको मंगलौर से खबर बता रहे थे जहां पर मेडिकल स्टोर की आड़ में कुछ लोग नशे का काला व्यापार कर रहे हैं और जिस पर पुलिस ने अभी शिकंजा कसना जो है शुरू कर दिया है। मंगलौर पुलिस ने क्षेत्र के दर्जनों मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है और पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि कई दुकानदार जो हैं वो मेडिकल स्टोर बंद करके जा चुके हैं। कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाना ने बताया है कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर पर कई ऐसी प्रतिबंधित दवाएं भी बेची जा रही हैं जिन्हें बेचना अवैध है और साथ ही ये भी पता लग रहा था कि कई नशीले इंजेक्शन बिना डॉक्टर के ही प्रेस्क्रिप्शन के बेचे जा रहे थे और सभी दुकानदारों को आगाह भी किया गया था यदि किसी के यहाँ भी इस तरह के इंजेक्शन बेचे गए हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिसके बाद अब कई मेडिकल स्टोर के स्वामी जो है वहां से फरार बताए जा रहे हैं। रेड गदरपुर के मुख्य मार्ग पर गड्ढे भरने के दौरान मामूली कहासुनी के दौरान दो पक्ष में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के लोगों ने बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और बीजेपी नेता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया और घटना से गुस्साए भाजपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना पर बैठ गए और एसएसपी के आश्वासन के बाद बीजेपी धरने से उठे। और आपको बता दें कि मामला बीजेपी नेता सचिन बत्रा मुख्य बाजार में सड़क पर हुए गड्ढे को भरवा रहे थे और इसी दौरान ही पत्थर कोई निवासी ही दूसरे समुदाय के दो युवक तेज गति से बाइक लेकर निकले और बाइक सचिन बत्रा से लगते लगते बची। सचिन ने उनको डांट लगा दी और गाड़ी देखकर चलाने की नसीहत दे दी और इस पर बाइक सवार युवकों की सचिन से बहस हो गई। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मंडल महामंत्री मनीष कुटेला भी मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे और इस बीच में ही विधायक प्रतिनिधि राजेश गुंबर लड़ाई झगड़े को शांत कराने की कोशिश की पर दो युवकों ने उन्हीं पर वार करते हुए उन्हें घायल कर दिया और घटना पाकर ही भाजपाई एकत्रित हो गए और उन्होंने थाने के मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा गदरपुर के बाजार भी बंद करा दिया गया जिसकी सूचना पाकर रुद्रपुर के ही विधायक शिव अरोरा और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मौके पर पहुंचे और इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया है।
तो आपको गदरपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि अब फिलहाल धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं रीड गदरपुर के मुख्य मार्ग की, जहां पर गड्ढे भरने के दौरान, मामूली कहासुनी के दौरान दो पक्ष में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे समुदाय के लोगों ने बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और भाजपा नेता और लाठी डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और घटना से गुस्साए भाजपाइयों ने सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर धरना भी दिया है और इसके साथ ही गुस्साए में लोग नजर भी आए हैं। आपको बताते चले कि एसएसपी के आश्वासन के बाद भाजपाई धरने से उठ गए और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सचिन बत्रा मुख्य बाजार में सड़क पर हुए गड्ढों को भरवा रहे थे और इसी दौरान ये बहसबाजी हुई है और इस दौरान पत्थर कोई निवासी ही दूसरे समुदाय के दो युवक तेज गति से बाइक लेकर निकले और बाइक सचिन बत्रा से लगते लगते बच गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। दरअसल सचिन ने उनको डांट लगा दी थी और गाड़ी देखकर चलाने की भी नसीहत दे दी थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा और इस पर बाइक सवार युवकों कि सचिन से बहस हो गई और बीजेपी नेता और पूर्व व्यापार मंडल महामंत्री मनीष कुटेला भी मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करने लग गए। इस बीच में ही आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि राजेश गुंबर लड़ाई झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे पर दो युवकों ने उन्हीं पर हमला कर दिया और जिसके बाद घटना पाकर भाजपाई इकट्ठे हुए और थाने के मुख्य मार्ग पर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे, जिसके कारण सड़क पर जाम देखने की स्थिति भी देखने को मिली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रैफिक जाम में ट्रक भी फंसा हुआ दिखाई दिया और भारी संख्या में रात के समय में लोग मौजूद रहे और जमकर हंगामा किया गया। सड़क पर दोनों तरफ जाम लगा हुआ था और इस दौरान भाजपाइयों के द्वारा गदरपुर के ही बाजार भी बंद करा दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।